हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी। और आज हम जो देख रहे हो एपिसोड नंबर 17 देखेंगे, जिसके अंदर हम एग्जांपल लेंगे ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स। यानी एपिसोड नंबर 16 में जो उन्होंने पूरी थियरी पढ़ाई हुई है पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की, उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक पूरा एग्जाम्पल दिख रहा होगा, तो आप उसको ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको पहले पॉज कर लीजिए, उसको शांति से पढ़ लीजिए, बाद में यहाँ पे देखिए। सो जस्ट लुक एट पॉज द वीडियो एंड फर्स्ट रीड द होल एग्जाम्पल। सो यहाँ पे बोल रहा है कि सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन हैज स्पीड 240 आरपीएम, यानी एन उसने देके रखा है विच इज 240 आरपीएम। जब भी आपको एन देके रखे आपको ओमेगा डायरेक्टली ढूंढ लेना है, विच इज 2 पाई एन अपॉन 16। सो ये हो जाएगा 25.13 रेडियन पर सेकेंड। अब उसने देखे बोला है स्ट्रोक 300 mm है। जब स्ट्रोक 300 mm दिया है तो आपको रेडियस मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। स्ट्रोक इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू रेडियस, सो ट्वाइस इंटू रेडियस इक्वल टू 300 mm। सो आर आपका हो जाएगा 115 mm विच इज डिवाइडेड बाय 1000, सो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। अब वो बोल के रखा है उसने आगे मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट इज 50 kg, स्मॉल m इज इक्वल टू 50 kg। हम रेसिप्रोकेटिंग पार्ट का मास होगा उसको m बोलेंगे, उसकी रेडियस होगी उसको r बोलेंगे, सो m इज इक्वल टू 50 kg। उसके बाद वो बोल रहा है मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्ट आर एट 150 mm, रेडियस 30 kg। सो रिवॉल्विंग पार्ट का उसने रेडियस देके रखा हुआ है विच इज 150 mm, सो उसका मीटर में हो जाएगा 0.15 डिवाइड बाय 1000, और उसका मास भी उसने रिवॉल्विंग पार्ट का देके रखा है 30 kg। अब वो आगे बोल रहा है इफ होल द मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्ट एंड 2/3 ऑफ द मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट आर टू बी बैलेंस। अब बोल रहा है 2/3 ऑफ द पार्ट्स टू बी बैलेंस, यानी सी की वैल्यू उसने देके रखी है विच इज 2/3। फिर आगे बोल रहा है फाइंड द बैलेंस मास, यानी एम बी ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड द एम बी एंड ऑल्सो फाइंड इफ द रेडियस ऑफ द बैलेंसिंग मास उसने देके रखा है विच इज 400 mm डिवाइड बाई 1000 विच इज 0.4 मीटर। वो आगे देख रहा है तो फाइंड आउट द रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो आपको ये रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स फाइंड करना है। अब इसको हम डिटेल में उसका पूरा एग्जाम्पल हम गिनने वाले। सो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, चलो ये मैंने पूरा गिवन डेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ये कैसे आया ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हमें पता हम पूरा बैलेंस, अगर मान लो कि अगर कंप्लीट बैलेंसिंग हो, अगर कंप्लीट या फिर इसको देखो बैलेंसिंग कर रहा हो, अगर बैलेंस ये जो बैलेंस मास है वो अगर बैलेंसिंग कर रहा हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, कौन बैलेंसिंग कर रहा है, तो एमबीआरबी, यानी ये बैलेंस फोर्स है। सो बैलेंस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू रिवॉल्विंग फोर्स प्लस रेसिप्रोकेटिंग फोर्स। सो रेसिप्रोकेटिंग फोर्स क्या है, एम इंटू आर। पर हम जानते हैं कि जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है जिसका प्राइमरी फोर्स है, जिसका हम 100% बैलेंसिंग नहीं कर सकते, वी कैन ओनली डू फ्रैक्शन ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ। सो वो फ्रैक्शन है सी, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो सी इंटू एम इंटू आर प्लस रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, जो एम इंटू आर इंटू आर इंटू आर, दोनों का बैलेंस कौन कर रहा है, एम बी आर भी कर रहा है। सो दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स, दैट्स व्हाई We have written over the equation over here. अब उसने बोला कितना फ्रैक्शन कर रहा है बैलेंसिंग, 2/3। सो C इज इक्वल टू 2/3, मास m उसने देके रखा है 50 kg, रेडियस r जो कि स्ट्रोक दिया था उसमें से हमें मिल जाएगी होगा 0.15 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। फिर मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्ट एंड रेडियस ऑफ रिवॉल्वमेंट, सो मास ऑफ रिवॉल्वमेंट 30 kg एंड रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग पार्ट विच इज ऑल्सो 0.15 मीटर इज इक्वल टू एमबीआरबी। एमबी ढूंढना है रिवॉल्विंग पार्ट का, उसने बैलेंसिंग मास का, उसने रेडियस देके रखा था विच इज 0.4 मीटर। सो यहां से आपको बैलेंसिंग मास मिल जाएगा। सो बैलेंसिंग मास आ रहा है यहाँ पे 38.75 kg। अब देखिए ये पूरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गिना है, मैं सिर्फ आपको मेथड समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको अपने आप करना है, आपको चेक करना है कि यह सही आंसर या गलत है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ मेथड समझा रहा हूँ। अब हमें फाइंड करना है, उसने बोला रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स फाइंड करें। तो ये पूरा इक्वेशन है रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स का जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिराइव किया हुआ था। अब बोल रहे कब करना है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पे हम थीटा की जगह पे 60 डिग्री पुट करेंगे। एम की वैल्यू है हमारे पास, व्हाट इज द स्मॉल वैल्यू ऑफ स्मॉल एम विच इज 50, आर की वैल्यू है 0.15, ओमेगा हमने फाइंड करके रखा हुआ है, सी की जगह पे 2/3 लिखेंगे, थीटा की जगह पे 60 सी की जगह पे 2/3। तो इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा वो किलो न्यूटन में आएगा। सो उसको आपको न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करना है, सो इट विल बी 2.84 न्यूटन। तो इस तरीके से आप, कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सम है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द इक्वेशन, राइट डाउन द डेटा, डू द कैलकुलेशन इन द कैलकुलेटर एंड यू विल फाइंड योर आंसर। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। इसको समझ में आया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।